नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बीसीसीआई को अदालत की कड़ी फटकार, मुश्किल में अनुराग ठाकुर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया। अदालत ने उसे आदेश का पालन करने को कहा, क्योंकि न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा पैनल ने शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय सिरके सहित उसके शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। लोढ़ा पैनल के वकील ने कहा कि बीसीसीआई ईमेल और उन्हें भेजे गए अन्य संवादों का जवाब नहीं दे रहा है तथा लगातार अदालत के आदेश का निरादर कर रहा है। अमेरिका की चेतावनी, मोदी के संयम को हल्के में न ले पाकिस्तान। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान रणनीतिक संयम की भारत की नीति को अधिक समय तक हल्के में लेने की गलती न करे। यदि इस्लामाबाद प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो यह देश को अछूत राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में मंगलवार को एक लेख में कहा गया कि यदि पाकिस्तानी सेना सीमा पर हथियार एवं आतंकवादी भेजना जारी रखती है तो भारत के प्रधानमंत्री के पास कार्रवाई करने के लिए मजबूत स्पष्टीकरण होगा। कश्मीर में बंद के कारण 82वें दिन भी जनजीवन प्रभावित। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद एवं हड़ताल के आह्वान के कारण बुधवार को 82वें दिन जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा और लोगों को राहत नहीं मिली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में कुलगांव जिले के कोईमोह इलाके में कर्फ्यू लागू है, जबकि घाटी के कुछ बड़े नगरों में हिंसक वारदातों को टालने के लिए लगातार पाबंदी लागू रहेगी। गार्ड की AK-47 लेकर भागा नेता का रिश्तेदार। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पूर्व विधान पार्षद का एक रिश्तेदार एक सुरक्षा गार्ड की सर्विस राइफल लेकर चंपत हो गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि माकपा के पूर्व विधान पार्षद अब्दुल रहमान तुकरू के शोपियां जिले के तुकरू गांव में स्थित घर के गार्ड कक्ष से वसीम अहमद खांडे बुधवार सुबह कथित तौर पर AK-47 राइफल, एक मैगजीन और 30 गोलियां लेकर चंपत हो गया। अमेरिकी हवाई हमले में 18 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा से लगे नांगरहार प्रांत में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध बुधवार को किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में 18 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में कुछ नागरिकों सहित अधिकांश आतंकवादी थे। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।